दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे केन्या की क्रिकेट टीम का डाउनफॉल के कारणों के बारे में। केन्या में एक सदी से अधिक समय से क्रिकेट खेला जाता रहा है। इस देश को क्रिकेट में सबसे तेजी से उभरते हुए देश के रूप में देखा जा रहा था। उन्होंने 1996 में विश्व कप में अपनी जगह बनाई और 2003 में सेमीफाइनल में पहुंचे और यहां तक कि पूर्व चैंपियन वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को भी हराया। हालांकि हाल के सालों में केन्या की क्रिकेट टीम नीचे की ओर आ रही है। उनका प्रदर्शन खराब रहा है, वे जीत से ज्यादा मैच हारते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम केन्या की क्रिकेट टीम के डाउनफॉल के कारणों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। टीम के डाउनफॉल के कारण। केन्या की क्रिकेट टीम के डाउनफॉल के प्राथमिक कारणों में से एक वहां के सरकार द्वारा खेल के लिए फंड न मिलना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट की कमी है। क्रिकेट केन्या में फुटबॉल या अन्य एथलेटिक्स जितना लोकप्रिय भी नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप वहां के अधिकारियों द्वारा खेल की उपेक्षा की गई है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का अन्य देशों में पलायन एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। केन्या के कई युवा क्रिकेटर बेहतर अवसरों की तलाश में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्रिकेट खेलने वाले देशों में चले गए हैं। इसने केन्या को उसके बेस्ट खिलाड़ियों से वंचित कर दिया और न्यू टैलेंट को खोजने के लिए संघर्ष करने वाली टीम को छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय मैचों में टीम के खराब प्रदर्शन और जीत की कमी ने टीम के पतन में योगदान दिया है। केन्या की क्रिकेट टीम के सामने चुनौतियों के बावजूद देश में इस खेल को नया जन्म देने के प्रयास चल रहे हैं। अधिकारी जमीनी क्रिकेट में निवेश कर रहे हैं और न्यू टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं। टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और विजेता बनाने के लिए भी पहल की जा रही है। हालांकि इन प्रयासों के सफल होने में समय लगेगा और टीम की तत्काल संभावनाएं बहुत आशाजनक नहीं है। केन्या ने 2011 में विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है और भविष्य में टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने की उनकी संभावनाएं अनिश्चित है। फिर भी सही समर्थन और प्रोत्साहन के साथ केन्या की क्रिकेट टीम वापसी कर सकती और अपना पुराना गौरव हासिल कर सकती है। क्रिकेट प्रशंसकों के रूप में हम टीम का समर्थन करके और केन्या में खेल को नया जन्म देने में मदद करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं।